छोटे पर्दे पर काम करने वाले एक्टर एक्ट्रेस अपने काम के बदले मोटी फीस लेते हैं। प्रोडक्शन हाउस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इन टीवी के पॉपुलर स्टार्स कितनी फीस लेते हैं, दिखाते हैं इस कमिंग रिपोर्ट में। छोटे पर्दे पॉपुलर स्टार्स की फीस की बात करें तो अब हाल ही में 2000 एपिसोड पूरे कर चुके तारक मेहता का उल्टा चश्मा की दया भाभी उफ दिशा वकानी को ही ले लीजिए। प्रोडक्शन हाउस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक वे एक दिन का 1,40,000 रुपए चार्ज करते हैं। दिशा वकानी दया भाभी का किरदार निभाकर पूरे देश विदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनकी आवाज और उनके टैलेंट ने उन्हें आज एक खास मुकाम पर पहुंचा दिया है, तो इस लिहाज से उनकी एक दिन की 1,40,000 फीस तो बनती है। और साथ ही आपको बता दें कि दया भाभी के परेशान पति यानी कि जेठालाल का किरदार निभाने वाले एक्टर दिलीप जोशी की फीस भी कुछ कम नहीं है। वो भी अपनी दमदार एक्टिंग की फीस 1,70,000 रुपए लेते हैं। और वही ऑन स्क्रीन जेठालाल की प्रॉब्लम्स को सुलझाने वाले तारक मेहता का रोल अदा करने वाले शैलेश लोढ़ा भी एक दिन में अच्छा कमाते हैं। इनकी भी एक दिन की कमाई 1,50,000 रुपए है। टीवी के सबसे पॉपुलर शो जमाई राजा से अपनी पहचान बनाने वाले रवि दुबे की रोज की कमाई 1,00,000 रुपए है। जमाई राजा शो के जरिए रवि दुबे ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। इससे पहले रवि दुबे एक और पॉपुलर शो करोल बाग से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं। रवि दुबे के बाद शब्बीर आलूवालिया कुमकुम भाग्य से फेमस हो रहे हैं और इस सीरियल से शब्बीर रोज की 80,000 रुपए कमाई करते हैं। कलर्स का शो इश्क का रंग सफेद शो में एक्टिंग करने वाले मिशाइल रहेजा भी एक दिन में मोटी कमाई करते हैं। उनकी एक दिन की फीस 1,60,000 की फीस है। प्यार की एक कहानी शो से टीवी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले विवियन डिशेना अब कलर्स का शो शक्ति अस्तित्व एक एहसास की में 60,000 सैलरी एक दिन की लेते हैं। टीवी इंडस्ट्री में हाल ही में शादी के बंधन में बंधे दिव्यांका त्रिपाठी और उनके पति एक्टर विवेक दहिया भी एक दिन में दोनों अच्छी कमाई करते हैं। ये मोहब्बतें से पॉपुलर स्टार्स में शामिल होने वाली दिव्यांका त्रिपाठी अपने शो के जरिए एक दिन में 60,000 रुपए कमाती है और वहीं उनके पति विवेक दहिया इन दिनों कलर्स के शो कवच में लीड रोल अदा कर रहे हैं और वे भी एक दिन में 25,000 रुपए कमाते हैं। लेकिन फिर भी अपनी प्यारी वाइफ यानी कि दिव्यांका से तो कम ही कमाते हैं। और दिव्यांका त्रिपाठी के ऑन स्क्रीन पति रमन यानी कि करण पटेल ये मोहब्बती सीरियल में एक दिन में अच्छी कमाई करते हैं। उनकी एक दिन की फीस 1,20,000 है, जो सीरियल में स्टार दिव्यांका से दोगुनी फीस लेते हैं। और वही इसी सीरियल में करण पटेल की एक्स वाइफ शगुन का किरदार निभाने वाली अनिता हंस नंदानी 50,000 रुपए रोज की फीस लेती है। लाइफ ओके के हर हर महादेव सीरियल से अपनी महादेव के किरदार अपनी एक अलग छाप छोड़ने वाले मोहित रैना एक दिन में 1,85,000 रुपए फीस लेते हैं। इन दिनों मोहित रैना चक्रवर्ती सम्राट अशोक सीरियल में लीड रोल निभा रहे हैं। भाभी जी घर पर है में लीड रोल निभाने वाली सौम्या तंदन एक दिन की फीस 25,000 रुपए लेती हैं। इस शो में उनका कैरेक्टर बेहद फेमस है, उस हिसाब से देखा जाए तो उनकी फीस कम ही है। लेकिन अगर फीस की बजाय उनकी पॉपुलैरिटी पर ध्यान दे तो वो इससे कई गुना ज्यादा है। साथ निभाना साथिया की हीरोइन देवोलीना भट्टाचार्य एक दिन का 90,000 रुपए लेते हैं। मधुबाला सीरियल में फेमस हुई दृष्टि धामी ने हाल ही में एक था राजा एक थी रानी में लीड रोल अदा किया है, वो भी 90,000 रुपए डेली चार्ज करती है। छह से सात सालों से चलता आ रहा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि पॉपुलैरिटी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये सीरियल कई सालों से अपनी टीआरपी बनाए हुआ है तो इसके स्टार्स भी थोड़ी ना कम फेमस होंगे। अक्षरा का किरदार निभाने वाली हीना खान ने इसके जरिए देश विदेशों में खूब नाम कमाया है, तो वो भी टीवी के महंगे स्टार्स में शामिल है। हीना खान एक दिन की फीस 1,25,000 रुपए लेती हैं और वही हीना खान के ऑन स्क्रीन पति नैतिक यानी कि करण मेहरा एक दिन का 80,000 रुपए लेते हैं।
वहीं कलर्स के कवच सीरियल की हीरोइन मोना सिंह एक दिन के 45,000 रुपए लेती है। कसम तेरे प्यार की सीरियल में ऋषि का रोल अदा करने वाले शरद मल्होत्रा एक दिन का 35,000 रुपए लेते हैं। सीरियल में काम करने वाले हमारे चहेते कलाकार अपनी अदायगी और एक्टिंग का अच्छा खासा